बता दें, बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेंगलुरु से सांसद तेजस्वी सूर्या ने अपनी ही पार्टी की सरकार को घेरा है। दरअसल सूर्या ने बेंगलुरु कोविड बेड स्कैम को लेकर राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि कोरोना मरीजों को अस्पतालों में भर्ती करने के नाम पर घूस ली गई है। बीजेपी सांसद ने इन आरोपों के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बुधवार को पुलिस की अपराध शाखा को इन आरोपों की जांच करने का आदेश दिया है और सूर्या के चाचा सहित दो पार्टी विधायकों समेत सांसदों से पूछताछ की गई है। इस घोटाले में शामिल 205 लोगों में 17 मुस्लिम कार्यकर्ता भी शामिल हैं। वहीं ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस संदीप पाटिल ने कहा है कि हमारे पास दो शिकायतें दर्ज की गई है और एक महिला सहित चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। सूर्या के आरोपों ने भाजपा सरकार पर सवाल या निशाना लगा दिया है। वहीं कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी बीजेपी सांसद को बधाई दी है और प्रशासन पर हमला बोला है। मंगलवार सूर्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाए थे कि BBMP में बड़ा बेड स्कैम हुआ है। इस मामले में BBMP में ज्वाइंट कमिश्नर सरफराज नवाज के बारे में सोशल मीडिया में अनाप शनाप आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि नवाज ने कहा है कि वह बेड अलॉटमेंट प्रोसेस में शामिल नहीं थे। इस दौरान वह कोविड केयर सेंटर और सॉलिड बेस्ट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। BBMP के एक अधिकारी ने कहा है कि मैं पूरी तरह से पीड़ित हूं क्योंकि इस मुद्दे को एक सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। बुधवार को सूर्या ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने नवाज का नाम नहीं लिया और अधिकारी से माफी मांगी है। पुलिस ने गिरफ्तार लोगों में से दो की पहचान नेत्रवती और रोहित कुमार के रूप में की है। उन्होंने कहा है कि जानकारी मिली है कि ये दोनों बेंगलुरु में बेड बुकिंग के लिए एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।